प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जननायक के रूप में पहचाना जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार अपने भाषण में झुंझुनू के नवलगढ़ से विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा को अपना हीरो बता चुके हैं, लेकिन डॉक्टर शर्मा भी हमेशा से हीरो की तरह काम भी करते हैं। इस बार कोरोना की जंग में कूदते हुए डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा है कि वे नवलगढ़ के एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे, इसलिए उन्होंने खुद अपने स्तर पर भामाशाहों से मदद लेकर खाने के पैकेट बनवाए हैं जो जरूरतमंदों को बांटे जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। झुंझुनू के नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कोरोना संक्रमण के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए अपने पूरे स्टाफ की छुट्टी कर दी है। जी हां, डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि वे खुद ही जयपुर से नवलगढ़ तक गाड़ी चलाकर लाए हैं और वह इसलिए कि आज नवलगढ़ को उनकी ज़रूरत है। अब वे लोगों के बीच रहेंगे और लोगों से अपील करना चाहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, वे खुद कंट्रोल रूम में बैठकर हर एक बात की मॉनिटरिंग करेंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैंने पूरे स्टाफ को छुट्टी दे दी है, सबको कहा घर पर रहिए। हम चाहते हैं सब लोग सुरक्षित रहें। और मैंने कहा ना आपको कि जिस दिन नवलगढ़ पे कभी भी प्रकृति कोई आपदा आई है, रात को 2 बजे भी चल के आया हूँ, अकेला भी चल के आना पड़ा आया हूँ। और मैं अकेला कहा हूँ, कितने लोग हैं आप लोग? सब लोग हैं, पूरा एक एक व्यक्ति की भावना है। तो मैं गाड़ी चला के भी आया हूँ और मैं कह रहा हूँ कि किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं आपके बीच में ही हूँ, यही हूँ और एक एक चीज को, एक एक बात को मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और आपका जीवन हमारे जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही बात कहते हुए फिर अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सुरक्षित रहें, आप लोग सेफ रहें। विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने नवलगढ़ पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि वे केवल और केवल इतना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री या फिर अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ लोक प्रशासन की सुने और घर से बाहर न निकले। उन्होंने यह भी कहा कि झुंझुनू के नवलगढ़ में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है जिसका नंबर 01594224154 मतलब 01594224154 सार्वजनिक कर दिया गया है जो 24 घंटे चालू रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखे तो तुरंत फोन करें और घर से बाहर नहीं निकलें। संदिग्ध को देखने के लिए या तो मेडिकल टीम को उसके घर भेजा जाएगा या फिर एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल लाया जाएगा। सभी बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है और इस संकट की घड़ी में हम देशवासी, प्रदेशवासी, जिलेवासी और मेरे नवलगढ़ के वासी, हम सब लोग मिलकर और इस संकट की घड़ी में मुकाबला करेंगे, इस चुनौती से मुकाबला करेंगे। मैं विशेष तौर से नवलगढ़ के लिए कहना चाहता हूँ कि सब लोग समझदार लोग हैं और इस कोरोना वायरस का जो सबसे बड़ा इलाज है वो समझदारी से घर में रहना ही सबसे बड़ा बचाव है, सबसे बड़ा इलाज है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि देश के प्रधानमंत्री से लेके हमारे राजस्थान के जननायक माननीय गहलोत जी से लेके तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम समाजसेवी संगठन, सब लोग जनता से, आम व्यक्ति से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप लोग कृपया घर से नहीं निकलें, क्योंकि घर से निकलने का मतलब है कि संक्रमण को फैलाना। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि इस संक्रमण से घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें सचेत होने की आवश्यकता है। अगर हम लोग सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे। आज पूरे राजस्थान में पूरी सरकार दृढ़ संकल्पित है, भामाशाहों से भी सहयोग ले रही है, समाज सेवी संगठनों से भी सहयोग ले रही है और सरकार अपने स्तर पर भी एक इस संकल्प के साथ इस वायरस को हम लोग फैलने नहीं देंगे और हमारे राज्य में कोई व्यक्ति भूखे सोएगा नहीं, जगेगा जरूर भूखा लेकिन हम भूखा सोने नहीं देंगे। इसलिए हमने नवलगढ़ के अंदर एक कंट्रोल रूम का स्थापना कर दी है और उस कंट्रोल रूम का जो नंबर रखा है ये 24 घंटे चालू रहेगा। उसका नंबर है 01594224154 01594224154 01594224254
ये कंट्रोल रूम स्थापित करने का हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा प्रशासन का, सरकार का, कि कोई भी व्यक्ति उसमें थोड़े बहुत भी लक्षण अगर दिखते हो तो वो व्यक्ति बजाय अस्पताल भागने के वो इस कंट्रोल रूम के ऊपर अपने सूचित करे, ताकि हमारी मेडिकल की टीम जहां तक हो सके कि हम घर पे चेकअप कराएंगे, वरना ज्यादा होगा तो हम एम्बुलेंस से उनको बुला के उनका इलाज करेंगे। नंबर दो, मैंने पहले भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं, मैं व्यक्तिगत भी आप लोग जानते हैं इस बात के लिए कि मैं और मेरी टीम जब जब भी नवलगढ़ पे प्रकृति की आपदा आई है, बाबा राम साहब पीर के आशीर्वाद से हम सब लोगों ने उस पर विजय पाई है और इस पे भी 100% हम लोग विजय पाएंगे। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि इन हालातों में यदि पुलिस और प्रशासन की सख्ती होती है या फिर डंडा भी उठता है तो वे किसी का साथ नहीं देंगे, क्योंकि यह डंडा उठेगा या फिर सख्ती होगी तो जनता की भलाई के लिए, इसलिए ऐसा कोई ना काम करे कि प्रशासन को सख्ती और पुलिस को डंडा उठाना पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से अपील की है कि कोई तो बाजारों में ना आए और न ही गांव की चौपालों में गप्पे लड़ाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कितने दिन चलेगा यह भी तय नहीं है, लेकिन उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और लोगों से अपील की है कि वे जरूरतमंदों तक अपने स्तर तक खाना पहुंचाएं और किसी को भूखा नहीं सोने दें। साथ ही वे अपने स्तर पर भी खाद्य सामग्री के पैकेट तैयार करवा रहे हैं।
उन्होंने नवलगढ़ क्षेत्र के लोगों को अपने प्यार तक का वास्ता दे दिया है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि यदि नवलगढ़ की जनता उनसे प्यार करती है तो उनके निवेदन को आत्मसात करे और अपने जीवन को जोखिम में न डाले। सभी लोग चाहे पुलिस हो या फिर प्रशासन या फिर मीडिया कर्मी या फिर चिकित्सा कर्मी, सभी उनकी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन आमजन केवल और केवल घरों में रहकर सहयोग करें। साथ ही घर बैठे भगवान से प्रार्थना करें कि हालात जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मैं इतना कह सकता हूं कि मैं आपके साथ हूं, मेरी पूरी टीम आपके साथ है, हम सब लोग एकजुट हैं, हम एक परिवार की तरह हैं। इस संकट की घड़ी से, इस चुनौती से अच्छी तरीके से सामना करके वापस हम लोग बाहर निकलेंगे, सब लोग स्वस्थ रहेंगे। हमारा नवलगढ़ के अस्पताल में हमने सारे आइसोलेशन वार्ड स्थापित कर दिए हैं, सारे डॉक्टरों की टीम को हम लोगों ने सतर्क कर दिया है। नाइट से लेके डे बाय डे हमारे ब्लॉक सीएमएचओ, हमारे पीएमओ, हमारा तमाम डॉक्टर जो पीएससी सीएससी और सब सेंटर पे जो हमारी नर्स बहने हैं और जो 108 104 जो एम्बुलेंस से जुड़े हुए हमारे छोटे भाई हैं, जो दिन रात अपनी जान को जोखिम में डालकर वो लोग मदद कर रहे हैं, कृपया करके उनका हौसला बढ़ाएं, उनका हौसला तोड़े नहीं। अगर पुलिस प्रशासन, हमारा एसडीएम प्रशासन, तहसील प्रशासन, पंचायत समिति प्रशासन, अगर आप लोगों से कोई भी अपील करता है तो उस अपील को गंभीरता से लें, मजाक में नहीं उड़ाएं। अरे क्यों मैसेज करते हो इस तरह के कि पुलिस आपको घर से पकड़ के लेके जाए? थोड़े दिन मजाक छोड़ दीजिए। अगर ये मजाक कहीं भारी पड़ जाएगी, अगर आप मजाक मजाक में कोरोना वायरस को लेके अगर आप लोग इस तरह से मैसेज फैलाते रहोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। हम लोग जी जान से लगे पड़े हैं, हम सबके बच्चे हैं, हम सब परिवार वाले हैं, सब लोग ये दिन रात 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 पर जागते हैं। आप सोचिए रास्ते के अंदर कितनी जगह पे जो लॉकडाउन की वजह से जो बॉर्डर सील किए हुए हैं, वो लोग बेचारे दिन रात वहां बैठे हुए हैं, वो भी किसी के पापा हैं, किसी की माँ है, किसी के भाई बहन है, आप लोग उनको भी देखिए। जब हमने कह दिया आपको कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो घर से बाहर मजदूरी के लिए नहीं जा सकता उसके खाने की व्यवस्था उसके घर पे होगी, चिकित्सा की व्यवस्था उसके घर पे होगी, फिर किस बात की चिंता आपको? हमारा नवलगढ़ बाबा राम साहब पीर की धरती अपने आप में एक मिसाल है, भाईचारे की मिसाल है, सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल है। छोड़िए सारी पुरानी बातें, हम सब लोग एकजुट होकर हमारे इस नवलगढ़ को, हमारे इस जिले को, हमारे इस प्रदेश को और हमारे इस देश को, और देश को नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व के लिए शांति के लिए प्रार्थना करेंगे घर में बैठ के कि भगवान ए बालाजी महाराज ए बाबा राम साहब पीर हमारे इस देश को, हमारे इस विश्व को, हमारे इस मानव जाति को आप लोग बचा के रखिए। बहुत से सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं, जयपुर से भी हमारा जो एक ट्रस्ट है श्री विद्या कल्याणम सेवार्थ प्रन्यास संस्थान, वहां से भी लोग बाग आ रहे हैं, सब लोग। आपने देखा भी बाबूलाल जी खटीक है, देवू जी मुरारका है, हमारे मुरारका साहब है, भरत जी है, सब लोग मुझे फोन कर करके कह रहे हैं कि हम आप बताइए हमें क्या करना है, पूरे नवलगढ़ के भामाशाह आगे आ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये जो अपील है, क्योंकि आपने, और मैं तो इतना ही कहूंगा, अगर नवलगढ़ की जनता अपने डॉक्टर राजकुमार से प्यार करती है तो इस प्यार की भाषा को, हमारे निवेदन को आत्मसात कर लें, अपने दिल में बसा लें और अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालें, और अपना जीवन खुद का भी बचाएं, अपने परिवार का भी बचाएं, अपने गांव का भी बचाएं, ताकि हमारा देश, अखंड हिंदुस्तान हमारा आगे बढ़ता रहे। ये बात कहते हुए आप सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूं, और पूरा प्रशासन, पूरी हमारी टीम दिन रात लगी हुई है, हमारे नवलगढ़ के चेयरमैन सुरेंद्र सैनी जी, हमारे मुकुंदगढ़ के चेयरमैन सत्यनारायण जी, कैलाश काका, ये सब लोग दिन रात लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। आप सब लोग सुरक्षित रहें, ये बाबा राम शिव से फिर से प्रार्थना करता हूं। जय भारत, धन्यवाद, राम राम साहब।